राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र में कारगिल विजय दिवस का हुआ शानदार आयोजन। ओबरा द 26 जुलाई 2022 को भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह पराजित कर कारगिल में अपनी विजय पताका फहराने तथा उस युद्ध में शहीद हुए सैकड़ों भारतीय जवानों के त्याग एवं बलिदान को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार सैनी द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी के दिशा निर्देशन में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का शानदार आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमारी प्रज्ञा मिश्रा, कुमारी आशा, कुमारी शिवानी सिंह, कुमारी गरिमा सिंह, कुमारी हर्षिता पांडे, कुमारी अर्पिता पांडे के गणेश वंदना, सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की बहुत ही सुंदर एवं अभिनव प्रस्तुति के साथ हुई। डॉक्टर संतोष कुमार सैनी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कारगिल युद्ध के कारणों, कारगिल युद्ध के घटनाक्रम एवं विजय की कहानी पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि हम सभी को अपने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कुमारी गरिमा सिंह, अंजलि, महिमा दुबे, कुमारी संजना केसरी ने जहां एक और कारगिल वीर एवं राष्ट्रभक्ति पर बहुत ही सुंदर एकल कविताएं प्रस्तुत की, वही कुमारी आशा, कुमारी गरिमा सिंह, कुमारी प्रज्ञा मिश्रा, कुमारी शिवानी सिंह, हर्षिता पांडे, कुमारी अर्पिता पांडे ने संयुक्त रूप से एक के बाद एक लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भर देने वाले बहुत ही सुंदर मंत्रमुग्ध कर देने वाले समूह गीतों को प्रस्तुत किया। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकांत पांडे एवं डॉक्टर महेंद्र प्रकाश ने भी कारगिल विजय के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए युवाओं का देश सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने बताया कि हमारी सेना के जवानों ने जिस तरह से विषम परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाकर हमें विजय दिलाई, हमारे देश के सिर को गर्व से ऊंचा कर दिया, उसी तरह हमें भी यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सभी देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में कारगिल विजय पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। डॉक्टर विजय प्रताप सिंह यादव ने कार्यक्रम के आयोजन की तकनीकी व्यवस्था का संचालन किया। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश प्रसाद, डॉक्टर विभा पांडे, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर मही, डॉक्टर वैशाली शुक्ला इत्यादि प्राध्यापक गण, कार्यालय अधीक्षक श्री प्रमोद केसरी एवं धर्मेंद्र कुमार, कुंदन सरफुद्दीन, कामेश्वर इत्यादि कर्मचारी गणों के साथ साथ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आशीष, विकांत रंजन, पूजा यादव, साधना यादव, अंजलि, संजना, संजीव, किरण, संगीता, पूजा, मीनू, रुक्मणी, अनुष्का सहित तमाम छात्र छात्राएं उपस्थित थे। तारांकन खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। सीमा पर हमारे जवान निरंतर देश की रक्षा करने में जुटे रहते हैं। हम तभी आत्मसम्मान महसूस करते हैं जब वो वहाँ हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं, जबते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और कई बार मरते भी रहते हैं। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम देश के सुरक्षित हैं, तो क्यों हैं, किसके कारण हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे अंदर उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि हम उनके कारण आज हमारे देश सुरक्षित कर रहे हैं, आज भारत देश सुरक्षित है। ऐसे आयोजन निश्चित रूप से प्रेरित करने वाले होते हैं। हम सैनिक जी को साधुवाद देते हैं, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं ऐसे कार्यक्रम का आयोजन के लिए। और सुंदर आयोजन बच्चों ने सुंदर दिन प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत की निश्चित रूप से ये कार्यक्रम के खुद के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रयास हैं। और ऐसे कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, दर्शक दिखा में होते हुए भी आपके मन में भाव आए, मैंने कहीं कहीं कुछ बोलेंगे, कुछ गीत गाएंगे, कुछ कहेंगे, निश्चित रूप से इन कार्यक्रम के साथ करता होगी। आप सीखने क्रम में फिल्म में आगे बढ़ रहे हैं और सीखने क्रम में ये सब प्रक्रिया है, आत्मकार का साबित होती है, काफी आंदाय साबित होती है, बच्चे हमारे बहुत कुछ सीखते जाते हैं। तो समय काफी हो चुका है और ज्यादा बात न करते उनकी बात हम यही समाप्त करेंगे और पुनः आप सबको ये सुंदर आयोजन के लिए बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।